नमस्कार डबल एन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त वीरेंद्र देव गौर। आज डबल एन के माध्यम से मैं अपने इंडियन गवर्नमेंट और डिफेंस मिनिस्टर आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी और मल्टीमीडिया के जितने भी चैनल हैं, सबसे मैं एक अपील करने आया हूँ डिफेंस से रिलेटेड, यानी कि मेरे जितने भी फौजी भाई हैं उनके प्रति और उनकी फैमिली के परिवार के सदस्यों के प्रति। हमारे डिफेंस से रिलेटेड जितने भी दस्तावेज हैं या हमारे अर्थशास्त्र से हैं, हमारे फौजियों से हैं, उनके रहन सहन से है, उनके भोजन से है, किसी भी तरह की एक्टिविटी को किसी भी चैनल पर किसी भी मल्टीमीडिया के द्वारा लाइव टेलीकास्ट नहीं किया जाएगा। अभी मैं दो दिन पहले एक न्यूज़ चैनल पर न्यूज़ देख रहा था कि LAC पे क्या हो रहा है, लाइव टेलीकास्ट चल रहा था लेह लद्दाख में क्या हो रहा है, और उसके अंतर्गत दिखाया गया कि हमारे फौजी भाइयों के लिए खाना कैसे कैसे पहुँचता है, कितना खाना वहाँ पर पहुँचाया जाता है, किस तरह के वो सेफ्टी शूज़ यूज़ करते हैं, किस तरह की वो जैकेट यूज़ करते हैं, क्योंकि लेह लद्दाख के अंदर माइनस में टेम्परेचर रहता है, सियाचिन की पहाड़ियों में माइनस में टेम्परेचर रहता है। तो न्यूज़ चैनल पर दिखाया गया कि किस तरह की जैकेट्स वो यूज़ करते हैं, किस तरह की सेफ्टी शूज़ वो यूज़ करते हैं, कैसी वो झोपड़ी बैरिकेड्स के अंदर वो रहते हैं, और किस तरह हम LAC से पहाड़ियों तक यानी कि 150 किलोमीटर की दूरी तय करके हमारे जो ट्रक हैं वो कैसे खाना लेके जाते हैं, हमारे जो हेलीकॉप्टर हैं, जो एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर दिखाए गए कि वो कैसे वहाँ तक खाना लेके जाते हैं। मैं आज WNews के माध्यम से इंडियन गवर्नमेंट, डिफेंस मिनिस्टर आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी से और मल्टीमीडिया के सभी चैनल से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि डिफेंस से रिलेटेड किसी भी चीज़ को आप लाइव टेलीकास्ट ना करें तो बेहतर है, क्योंकि ये हमारे फौजी भाइयों की ज़िंदगी का सवाल है, उनके परिवार के, उनके सदस्यों के प्रति उनकी ज़िंदगी का सवाल है। क्योंकि पुलवामा अटैक जब हुआ 2019-14 फरवरी को, तो किसी को नहीं मालूम था कि किस रास्ते से कितनी गाड़ियां जा रही हैं और कौन सी गाड़ी के अंदर बुलेट प्रूफिंग नहीं है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि जितने लोग हिंदुस्तान में बैठे TV देख रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, वो सब ही सकारात्मक सोच रखते हों। कुछ ऐसे गद्दार भी हैं जो अपने दुश्मन देशों से मिलकर यहाँ की बातें लीक भी करते हैं, और क्या पता इस दौरान कोई ऐसा बंदा भी लाइव टेलीकास्ट देख रहा हो कि हाँ इंडियन गवर्नमेंट अपने फौजी भाइयों के लिए क्या क्या करती है, कैसे सेफ्टी शूज प्रोवाइड करती है, कैसे जैकेट्स प्रोवाइड करती है। हो सकता है कि ये आने वाले कल में घातक रूप धारण कर सके, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना दोनों एक ऐसे देश हैं, दोनों ही भारत के दुश्मन देश हैं, कभी भी ये लीक नहीं करते कि हमारे देश के कितने सैनिक मारे गए। अभी अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, बहुत पहले की ही बात है कि गुलवान घाटी के अंदर जहाँ पर हमारे 20 सैनिक शहीद हुए थे, वहाँ पर चाइना के भी सैनिक मारे गए थे, बट चाइना ने इस बात को लीक अभी तक नहीं किया कि हमारे भी गुलवान घाटी के अंदर इतने सैनिक मारे गए। जब वो अपने सैनिकों के मरने की न्यूज़ तक लीक नहीं करता, तो हम लोगों को क्या हक बनता, क्या राइट बनता है? एक आर्यवर्ती होने के नाते मैं अपने देश की सरकार, डिफेंस मिनिस्टर आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी से और मल्टीमीडिया चैनल से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे फौजी भाइयों के सम्मान में, उनके परिवार के सदस्यों की हिफाजत के लिए कोई भी ऐसा दस्तावेज अस्त्र शस्त्र के बारे में, उनके लिविंग स्टैंडर्ड के बारे में, कहाँ कैसे वो रहते हैं, अगर TV पर लाइव टेलीकास्ट ना किया जाए तो बेहतर होगा। मैं हाथ जोड़कर ये विनती करता हूँ अपनी मल्टीमीडिया चैनल से, अपने डिफेंस मिनिस्टर से और इंडियन गवर्नमेंट से। और इसी के साथ दोस्तों मैं आप लोगों से विदा चाहूँगा। कृपया करके मेरे इस न्यूज़ को ध्यान से सुनना दोस्तों, ताकि हमारे हर फौजी भाई के लिए एक सुरक्षित मैसेज जाए। जय हिंद।